जितनी काम है उनको देखा है, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। आज हम अपने वीडियोस को आगे कंटिन्यू करते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आज हमने आपके लिए एक नया टॉपिक लिया है, और हमारा जो आज का विषय है हमारे वीडियो बनाने का वो है हिंदी व्याकरण का। और हिंदी व्याकरण का जो हमारे पास टॉपिक आया है, जो विषय है वो है संज्ञा। ऐसे तो आप संज्ञा पढ़ते ही आ रहे हैं, आप सबको संज्ञा के बारे में पता भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे डाउट्स हमारे उस लेसन से रिलेटेड हमारे कंप्लीट हो चुके हो। सकता है आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा डाउट रखते हो कि आपको क्लियर ना हो कि संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद हैं, भेद के नाम क्या हैं, और मैं उनको अलग अलग तरह से किस तरह से डिफाइन करूँ, कैसे समझाऊं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपके इनकी वीडियो भेज दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज ये रिसेंट वीडियो में आपको दोबारा से भेज रही हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है आज का संज्ञा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, नंबर नॉर्मली हम जैसे एक छोटी सी डेफिनेशन हम आज से याद करते हैं, वो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा या भाव के नाम हम संज्ञा कहते हैं, या हम क्या कह सकते हैं कि सभी नाम वाले जो शब्द हैं उनको संज्ञा कहते हैं। ये सब क्या है, संज्ञा है। अब हमें कैसे पता चले कि ये तो हमने परिभाषा लर्न कर ली, हमें याद हो गई, हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम इस भाषा को दोबारा से रिपीट भी कर देंगे। लेकिन अब आप देखिए, यहां जैसे मैं आपको समझा रही हूं, किसी व्यक्ति, व्यक्ति कौन होता है, व्यक्ति होता है पर्सन, जिसमें मैं आ सकती हूँ, आप आ सकते हैं, आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, आपके गार्जियंस आ सकते हैं, आपके फ्रेंड्स आ सकते हैं, वो सब होते हैं व्यक्ति, यानी कि जिनको हम कह सकते हैं पर्सन। अब दूसरे नंबर पे आ गया वस्तु। वस्तु होता है चीजें, कोई भी चीज का नाम। जैसे कि मैं कहूं आपके सामने इतनी सारी चीजें हैं, सबसे पहले तो आपके सामने बोर्ड है, तो बोर्ड भी एक चीज है। बोर्ड को मैंने किसी पर लिखा है, देखिए चौक से लिखा हुआ है, तो चौक भी एक चीज है। आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं, फैन, पंखा है आपका, टेबल्स है, कुर्सियां वगैरह है, या हम कहें कोई भी चीज, पेन है, पेंसिल है, या आपके घर में जितना भी सामान है, आपका जितने भी सामान है, किताबें हैं, बैग है, वो सब चीजें होती है वस्तु। अब आ गया स्थान। स्थान यानी जगह। अब जगह कोई भी हो सकती है, चलिए हम यही से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहती क्लासरूम या कक्षा, ये भी एक जगह है। दूसरा मैं कहा कक्षा कहाँ पे, कक्षा तो स्कूल में, स्कूल भी है। स्कूल कहाँ पे, स्कूल सरदारशहर में, सरदारशहर के मार्केट में, वहां के रेलवे स्टेशन पे। तो जिनकी जगहों का मैं नेम दे रही हूँ वो होती है प्लेसेस, या आ सकते हैं जगह, या कोई भी सिटीज का नेम, वो उसको हम कहेंगे स्थान। अब होता है भाव। भाव तो हमारे इमोशंस, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, वो होते हैं हमारे भाव। और गुण होते हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, खट्टा है, मीठा है, ये सब होते हैं गुण। और उन सबको हम क्या कहेंगे, संज्ञा। यानी इन सबका जो नाम हमने रखा है वो सब क्या हो गई, संज्ञा। नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं, सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जिन जिन चीजों का नाम हमें पता है, हर चीज का नाम होता है, बिना नाम का कुछ भी नहीं है, तो जिसका भी नाम है वो सब संज्ञा है। तो चलिए, ये हमारी संज्ञा की डेफिनेशन, या संज्ञा की हम कह सकते हैं परिभाषा। अगर आपसे कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप इसलिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण को संज्ञा कहते हैं, या सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके जो डाउट्स थे संज्ञा से रिलेटेड वो आपके क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम अपना आगे वाला टॉपिक लेते हैं। ये तो था सिर्फ इतना कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हमारे पास में एक नया क्वेश्चन आ जाएगा, और वो है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो देखिए, जब आप छोटे होते हैं आपको दो भेद बताए जाते हैं, जिसमें हम कॉमन और प्रॉपर जैसे कह सकते हैं, या व्यक्तिवाचक जातिवाचक कह सकते हैं। अब आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो आपके लिए हम बताएंगे कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं संज्ञा के? संज्ञा के तीन भेद हैं। सबसे पहले आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले जो आता है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पे आएगा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरे नंबर पे आएगा भाववाचक संज्ञा। देखिए, जो संज्ञा के भेद है मैंने इनको स्पेसिफिकली डिफाइन किया है, ये संज्ञा है, और संज्ञा के तीन भेद बताए गए हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक है, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा भाववाचक। अब देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पार्ट नाउन। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है इसको, मैंने आपको इंग्लिश में भी इसका एक वीडियो भेजा है, अगर आपने उसको समझाया तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया है तो मैं
प्रॉपर नाउन यानी कि किसी खास के बारे में बात करना, प्रॉपर उसी के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं, विशेष चीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, कोई भी खास जिसका नाम लेके हम बात करेंगे, जिसका नाम होगा वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जनरली सामान्य रूप से हम जिसके बारे में बात करें या जिसका ग्रुप में हम बात कर लेते हैं उसमें आता है जाति, या वो एक जाति को या एक समूह को लेकर चलता है, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। नंबर थर्ड पे भावाचक। अब भावाचक संज्ञाएं वो होती है जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, लेकिन हम उनको महसूस करते हैं और जो फीलिंग्स हमारी आती है वही हम बताते हैं, उसके उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। जैसे कि चीजें हैं कि आम तो बहुत मीठा है, अब आम मीठा है आपको पता है, लेकिन वो मीठा पन आपको दिखाई नहीं देगा। उस मीठेपन को जानने के लिए आपको क्या करना है? आम को खाना पड़ेगा या फिर दूसरे से जानना पड़ेगा जिसने आम को खाया है कि आम कैसा है, मीठा है कि खट्टा है। तो ये है हमारी तीन संज्ञाएं। अब देखिए शुरू करते हैं नंबर वन से। सबसे पहले हमारे पास है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाम, और इसकी जो डेफिनेशन है वो है विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी खास के बारे में बात करना। जैसे मैं आपसे कहूँ आप सब मेरी क्लास में बैठे हैं, अब मैं आपसे आपसे कहूंगी कि डियर स्टूडेंट्स या प्यारे बच्चों आप बोर्ड पर देखिए, तो मैंने तो सामूहिक रूप से सबको कहा ना, यानी कि आपके ग्रुप में आपको बता दिया, ये तो हो गया जनरली, यानी जिसको हम कह सकते हैं जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं सबको एक साथ बोलूं कि बेटा आप बोर्ड पर देखो, तो मैं आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने किसको कहा है बोर्ड पर देखने के लिए? तो अगर मैं ये कहूं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को देखकर कि बेटा लक्ष्य आप बोर्ड पर देखिए, तो जैसे ही मैंने लक्ष्य कहा इट मीन्स सब बच्चों को समझ में आ गया है कि टीचर ने सिर्फ लक्ष्य का नाम लिया है, इट मीन्स लक्ष्य बोर्ड पर देखे, यानी कि ध्यान का कहीं नहीं होगा। तो जब एक जने का पर्टिकुलर या विशेष रूप से मैं उसी का की बात कर रही हूं, तब हम उस संज्ञा को वहां पर कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि देखिए मैं, जैसे हम कह सकते हैं एक लड़की एक लड़का या कोई नदी, तो हमें नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं, वो तो जनरली जनरली नाम जब आएगा तो वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन जब मैंने उस लड़की का नाम बता दिया है, जैसे कि वो जो लड़की है लड़की का नाम आ गया मीनाक्षी, अब जैसे ही मैंने मीनाक्षी कहा वो प्रॉपर नाम आ गई है। वैसे देखिए हम भी बहुत सारे पालतू जानवर हमारे घर पे रहते हैं, हमारे घर पे इतने सारे, जैसे कि हो सकता है कोई, जैसे हमने किसी तोते को पाला है तो वो तोता, तो जैसे ही मैंने तोता कहा तोता बोल दी तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन आपने कहा कि मेरा पालतू तोता मिट्टू, तो जैसे आपने मिट्टू कहा मिट्टू कहते ही वो आ जाएगा प्रॉपर नाम, या हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी कि जिस भी किसी का एक विशेष नाम जब आएगा वो सब विशेष नाम जो होते हैं वो सब आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। अब एक सिंपल उदाहरण मैं आपको बता दूं, आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनका नाम, अगर आपने किसी को पैर रखा है उसका नाम, जिस मोहल्ले में आप रह रहे हैं उस मोहल्ले का नाम, जिस शहर में आप रहते हैं जैसे सरदार शहर में आप रह रहे हैं सरदार शहर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावा आपके यहाँ पर कितनी जगह है, बैंक है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, जिनका स्पेशल नाम है, जैसे कि हम कह देंगे बीकानेर बीकानेर, जैसे मैंने जगह का नाम बता दिया, या फिर हम बोल दें पंजाब नेशनल बैंक, तो वो बैंक का एक नाम हो गया, जैसे हमारे स्कूल का नाम है कृष्णा पब्लिक स्कूल, तो स्कूल का स्पेशल नेम होता है। जब हम स्पेशली किसी के विशेष तौर से जब हम किसी की बात करेंगे तब वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब नॉर्मली हम उनका नाम लेंगे यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान आदि के नामों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जब कॉमन रूप से या सामान्य रूप से जब किसी की बात करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब हमारे पास तीसरे नंबर की जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसको अक्षत नाम कहते हैं, भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है यानी कि किसी भाव गुण या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए भाव भाव आपके मन में अच्छे बुरे दोनों आ सकते हैं, गुण गुण कैसे हैं, आपके अंदर कैसे गुण हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं। दशा, दशा यानी बचपन की है, बुढ़ापा है, बीमार है, स्वस्थ है, ये सारी दशाएं होती हैं। तो
तो इन सबको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। और एक खास बात भाववाचक संज्ञा से यह है कि जैसे भाववाचक संज्ञाओं को देखा न छुआ नहीं जा सकता, केवल उनको महसूस किया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक उदाहरण है, आप गर्मियों का टाइम है, सबको आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो आप जैसे कि आज आप आइसक्रीम खा रहे हैं, तो आपने कहा आज आइसक्रीम बहुत ठंडी और मीठी है। तो जहां आपने कहा ठंडी और मीठी, अब देखिए ठंडी है, ठंडी है लेकिन दिखाई तो नहीं दे रही कि वो ठंडी है। आपने उसको टच किया है, आपने उसको छुआ है, तभी तो आपको पता चला ना कि वो कैसी है, ठंडी है। उसके बाद क्या है, मीठी है। तो मीठी है तो आपको कैसा पता चलेगा, आपने उसको टेस्ट किया है। टेस्ट किया है इसका मतलब आपने उसको टेस्ट करके देखा और आपको समझ में आ गया कि मीठी भी है और ठंडी भी है। लेकिन वो उसका मीठापन और उसका ठंडापन आप अपनी आंखों से नहीं ले सकते। आप इसका मतलब ये होता है कि जो भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, हम केवल उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ये लड़का बहुत खुश है, खुश तो बहुत है लेकिन क्या वो खुशी दिखाई दे रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो खुश है? क्यों? क्योंकि स्माइल कर रहा है ना। आपको जब स्माइल करता हुआ दिखेगा तो पता चलेगा अच्छा खुश है। और कोई बच्चा अगर रो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा? उसके एक्शन से बता रहे हैं, उसके आंसू निकल रहे हैं, आप उसको देख के बता सकते हो। वो रोना पने से दिखाई देती है ना, स्पेशल ये रोना होता है, ये हंसना है। तो ये देखिए जो चीजें हमारे अंदर से जो भाव निकलते हैं, हमारे हम कहेंगे जो फीलिंग्स हमारी होती है, वो सब आती है भाववाचक संज्ञा के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण को संज्ञा कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि सभी नाम वाले समूह शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके डाउट्स इस लेसन से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपके, वो आपके क्लियर हो गए हैं। तो आप अपने इस चैप्टर को अच्छे से एक बार और समझिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में मुझे लगता है किसी भी तरह के इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स वाले क्वेश्चंस आपके मन में नहीं आएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।